इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गॉडसे के भक्तों ने इतने संगीन दो एफआईआर मुझ पर कर दिए। ये 56 इंच की बुजदली है, ये 56 इंच की कायरता है, ऐसा कहना है जिग्नेश मवानी का। जिग्नेश मवानी गुजरात से, उनका संबंध है, एमएलए हैं गुजरात से, वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर से समर्थन कर रही है। वो फिलहाल जेल में रहे कई दिन और एक ट्वीट के बदले में उनको असम पुलिस 2500 किलोमीटर का सफर करके गुजरात से उनको असम लेके चली गई। वहां ट्वीट के लिए उनको जेल जाना पड़ा। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे यानी कि आम लोगों के जरिए चुने गए एक नुमाइंदे को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय की साजिश की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। उनको एक स्ट्रीट के बदले में जेल भेजने और जेल में लंबा रखने की साजिश थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है गुजरात चुनाव से जुड़ा हुआ है, वो नहीं चाह रहे थे कि गुजरात चुनाव में जो उनका असर है वो दिखे, इसलिए ऐसा किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जिग्नेश मवानी को न सिर्फ कि एक केस उनके ऊपर बल्कि दो केस उनके ऊपर कर दिए गए। पहले एक ट्वीट की वजह से उनको असम पुलिस आई और गुजरात से गिरफ्तार करके असम लेके गई 2500 किलोमीटर दूर, और उसके बाद उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो महिला पुलिसकर्मी शामिल थे, उस महिला पुलिसकर्मी के जरिए एक मामला दर्ज किया गया कि उसके साथ बदसलूकी की गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे कि पत्रकारों के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन अब विपक्ष के नेताओं को इस तरह की गंभीर धाराओं में जो लिप्त करने की ये पूरी कोशिश है, ये अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत जाहिर करती है। आइए पहले जिग्नेश को सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे। मैंने केवल यही कहा कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन तीन जगह पर जहां पर कम्युनल टेंशन हुआ है, कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, तो चूंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात से है और वो गुजरात के दौरे पर है, गुजरात आने वाले हैं, तो मैं उनको विनती करता हूं कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी साहब, इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे, ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गोडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जिग्नेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था, खासकर जो गोडसे वाली बात उन्होंने कही है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि अगर उन्हें इस शब्द से एतराज है, अगर ये आपत्तिजनक था। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भारत का कौन सा ऐसा कानून है जो ये कहता है कि आप ये नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है कि अगर इस शब्द से आपत्ति है तो गोडसे के बारे में वो सीधे सीधे जो लाल किले की प्राचीर है उससे ये बोले कि गोडसे मुर्दाबाद, यानी अपने को डिसोसिएट करें, अपने को अलग करें गोडसे, गोडसे की विचारधारा और गोडसे से जुड़ी हुई जो राजनीति पिछले लगातार कई सालों से हम भारत में देख रहे हैं कि भगवा परिवार से जुड़े हुए न जाने कितने लोग, जिसमें जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा की, जिनके ऊपर मालेगांव में जो धमाके हुए थे उन पर लिप्त होने का आरोप है, वो जेल में रह चुकी हैं, फिलहाल बेल पर बाहर हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि राष्ट्रवादी हैं गोडसे, और बीजेपी ने उसके कहने के बाद उन्हें टिकट दिया, फिर वो भोपाल से सांसद चुन के आए। फिलहाल बेल पर वो, स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिली हुई है, हालांकि मामले बहुत गंभीर हैं। तो चुनौती दे रहे हैं मेवानी और कह रहे हैं कि अगर उन्हें उस ट्वीट से आपत्ति थी तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये बात कहते हैं। तो ये बात उन्होंने ट्वीट के बारे में अपनी बात कही, लेकिन दूसरी हैरानी की बात यह है
कि जो असम की जो अदालत ने, खासकर मैं वो आपको वो भी पढ़ के सुनाऊंगी कि जो उन्होंने ये बोला है कि कैसे पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, और ये भी कहा कि कैसे जो पूरा हमारी जो कानून की जो किताबें हैं, जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस है, उसको बदलने की जरूरत है अगर इस तरह के मामलों में फंसाया जा रहा है, इस तरह के मामलों में लिप्त किया जा रहा है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। तो उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जिग्नेश मेवानी को एक दिन के भीतर असम जो पुलिस है वो कैसे ट्रैवल करके सफर करके वहां तक पहुंची, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, पहले से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थे। मैं सिटिंग एमएलए हूं, अचानक पुलिस रातों रात 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम से गुजरात आती है, 19 तारीख को एफआईआर हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बजे फ्लाइट बुक करवाया। कोकराझार पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी चार घंटे की दूरी है, 4.5 घंटे होते हैं, वहां से आप गुवाहाटी पहुंचते हो, गुवाहाटी से बेंगलोर का फ्लाइट, बेंगलोर से अहमदाबाद का फ्लाइट, अहमदाबाद से आप 140 किलोमीटर दूर वड़गाम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी वहां मुझे गिरफ्तार करने आए, मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने से पहले आपके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुके थे, इट वॉज अ प्री, क्या है गिरफ्तारी करके मुझे ले गए, तब मुझे बता नहीं रहे, उनको मालूम है कि मैं लॉयर हूं, लॉ मेकर हूं, मुझे बोल नहीं रहे कि कौन सा मुकदमा है, एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन सी सेक्शंस लगी वो नहीं बता रहे, मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया। यहां तक कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लैटेंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरा मामला जो था असम इसलिए पहुंचा क्योंकि असम के ही एक लीडर, भाजपा के नेता ने ये मामला उनके ऊपर दर्ज किया इन ट्वीट को आधार बनाकर, और पहले ये ट्वीट पर केस, उसके बाद महिला से बदसलूकी का मामला दर्ज किया गया। तो पहले मामले में जब जिग्नेश को जमानत मिल गई, जब फिर दूसरा मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया, फौरन उनको री अरेस्ट कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी फौरन हो गई ताकि वो जेल से बाहर ना निकल सकें, और ये पुलिस जो सुरक्षाकर्मी थी, महिला सुरक्षाकर्मी, उसके जरिए दर्ज किया गया, जिसको अदालत ने असम की साफ तौर पर कहा है कि ये मैन्युफैक्चर्ड केस है, यानी कि बनाया गया है उनके खिलाफ केस। तो जिग्नेश कह रहे हैं कि उनको एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया। एक और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया वो ये कि प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को कहा कि वो जातिवादी पार्टी है, क्योंकि रोहित वेमुला उसको पहले हैदराबाद में जो छात्र था उसको सुइसाइड के लिए मजबूर किया गया, उसको इतना सताया गया, परेशान किया गया हैदराबाद के कॉलेज में कि उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर किस तरह से लगातार बार बार हमले कराए जाते हैं, उनको बार बार जेल भेजा जाता है, और अपने ऊपर उन्होंने कहा कि तीसरे, यानी वो खुद दलित नेता, इन तीन जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं दलित राजनीति के, उनको उन्होंने निशाना बनाते हुए ये कहा कि वो जातिवादी राजनीति के ऊपर भी सीधी बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किस तरह से जो प्राथमिकताएं हैं, साफ तौर पे ये पता चलता है कि कैसे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो विपक्ष के नेता है, उन्हें कैसे निशाना बनाया जा रहा है, वो इससे पता चलता है कि 22 इम्तहान कम से कम उनमें पेपर लीक हुए हैं, यानी एक दो चार नहीं, 22 इम्तहानों में पेपर लीक हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जिसके ऊपर वायर ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, कि जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, वहां 1,75,000, अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसका दाम देखा जाए तो इतनी बड़ी रकम की इतनी सारी अफीम यानी ड्रग्स बरामद हुई, जिसमें भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सो सकता था लगातार। यानी सोचिए कि हमारे युवाओं के लिए इतना गंभीर ये मुद्दा था, कानून व्यवस्था के अलावा कितना ये गंभीर मुद्दा था, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कॉन्क्रीट हमारे सामने नतीजा इसको लेकर नहीं निकला है। इसके अलावा धर्म संसदों में जो अधर्म संसदें हैं दरअसल, उनमें खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो नरसंहार की लगातार अपीलें होती हैं, उन पर भी कोई कॉन्क्रीट नतीजा नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए कोई एक भगवा नेता जेल चला जाता है और उसके बाद वापस आके कहता है मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। इन तमाम चीजों को दरकिनार करके कैसे एक चुने हुए एमएलए के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे ज्यादा से ज्यादा जो जेल में रखने की कोशिश की गई, उसके ऊपर जिग्नेश कह रहे हैं कि ये, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से उपजी हुई साजिश है, कंस्पिरेसी है। मेरा ये दावा है, मेरा ये आरोप है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कंस्पिरेसी है। गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए, मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और यहां तक
मानो मैं कोई टेररिस्ट हूं, मेरे घर पे छापे किए, मेरे कंप्यूटर को सीज किया, मेरे एमएलए क्वार्टर पे रेड की, लैपटॉप को सीज किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ऑफिस पे गए, मेरे शेयर टीम के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए, टीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले उनके माँ बाप के मोबाइल जब्त कर दिए। और अब वायर की वेबसाइट पे जाके विस्तार से जरूर पढ़िए, जो असम के जो जज हैं उन्होंने जो ये ऑर्डर, बेल ऑर्डर जो दिया है, ये पढ़ने वाली बात है कि भारत में जो कानून व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है ये कि असम में भी, असम में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और सीधे तौर पर ये उनके ऊपर टिप्पणी है। जब असम की इस अदालत ने, जज साहब ने ये कहा कि अगर जो जो एक्टिविटीज हैं, जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर इस सबको देखना है और एक लम्हा बलम्हा उसको देखना है, तो क्यों नहीं पुलिस अपने शरीर में कैमरे लगा लेती है, क्यों नहीं अपने शरीर में कैमरा बांध लेती है और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर लेती है उस गाड़ी में जिससे उसको ले जाया जा रहा है। यानी कि अपने शरीर में कैमरा पुलिस क्यों नहीं बांध लेती है, कहने के लिए, ये कहने की कोशिश कर रहे थे जज के, अगर एक एक लम्हे का हिसाब रखना है तो ऐसा कीजिए। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये हमारी जो मेहनत से कमाया हुआ जो लोकतंत्र है उसको किस तरह से एक पुलिस स्टेट में बदला जा रहा है, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पुलिस का राज चलता हो, जनता का राज ना हो, चुनी हुई सरकार का राज ना हो, बल्कि पुलिस का ही एक तरह से राज हो जाए। तो काफी हार्ड हिटिंग ये जजमेंट है, जिसमें ये भी बताया अदालत ने कि जो पुलिस, जिस महिला ने, महिला पुलिस कर्मी ने जो शिकायत दर्ज की, उसमें शिकायत और मैजिस्ट्रेट के सामने जो बात कही, वो दोनों कहानियां अलग अलग हैं, वो दोनों बयान अलग अलग हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा फिक्र का लम्हा है कि अगर एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह का बर्ताव मोदी सरकार कर सकती है, इस तरह का बर्ताव बीजेपी की सरकार असम की कर सकती है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है। और जो ये गंभीर चार्ज लगाया है, गंभीर आरोप जिग्नेश भवानी ने लगाया है कि 56 इंच की कायरता है और प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें इन्वॉल्व है, ये लिप्त है, जो उनको जेल में न सिर्फ के भेजने की बल्कि लंबे अरसे तक रखने की जो साजिश है, जिस पर कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है, वो उसका जवाब भाजपा को देना चाहिए जरूर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।